अश्विनी दुबे हमारे साथ बताया जा रहा है। अश्विनी जी, आपसे जो आज ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें तमाम पहलू सामने आए हैं और इसमें ये भी कहा गया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की भी कोशिश की, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसके बाद फिर आगे बढ़ा गया धीरे धीरे। जी बिल्कुल, देखिए आज ये साबित हुआ है कि एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज हुई। एक रिपोर्ट आती है एक पन्ने की, वो रिपोर्ट तो सभी पढ़ते हैं लेकिन उसका जो रिप्लाई होता है 453 पन्ने का, वो कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम से 6 बड़े इंटेलेक्चुअली एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई, जैसे सप्रे, मिस्टर केवी कामत, मिस्टर ओपी भट्ट, मिस्टर नंदन निलेकनी एंड जस्टिस जेपी देवधर और एडवोकेट सोमा शेखर सुधीर। इस कमेटी ने अपने 2 महीने में जो कोर्ट के डायरेक्शन थी, जो जांच का डायरेक्शन दिया गया था, जो बिंदु तय किए गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी का जो मामला है वो बिल्कुल निराधार है। शेयरों की कीमत बढ़ने में कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन इस सब बीच में जो डैमेज करना था बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के, वो डैमेज उस ग्रुप को कर दिया। अब उसकी रिकवरी कैसे होगी वो एक अलग विषय है। दूसरा, जब दो पहलू में जांच हो रही है, एक हमारी रेगुलेटरी बॉडी जांच कर रही है और एक एक्सपर्ट पैनल जांच कर रहा है, उस पैनल की रिपोर्ट आने से पहले तक खास तौर से हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, कि वो ऐसे आरोप नहीं लगाएं जिससे इन्वेस्टर्स का, क्योंकि एक इंडिविजुअल का पैसा नहीं है इसमें, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और एक अनर्गल बात से, एक झूठी बात से वो लोगों का पैसा डूब भी सकता है, वो कंपनी भी डूब सकती है और तमाम लोगों का जो विश्वास, जो क्रेडिबिलिटी इतने सालों में अर्न किया है। तो खैर, आज सुप्रीम कोर्ट के इस रिपोर्ट से साबित हुआ। दूसरा, बार बार अभी फिर दूसरे पहलू पर चर्चा हो रही है। दूसरे पहलू पर चर्चा ये हो रही है कि अभी भी 2016 से जो जांच चल रही है, कल तो बहस ये भी चल रही, 2016 से लगातार जांच चल रही है जी और वो जांच डिस्क्लोज नहीं किया, जबकि बार बार सेबी के अधिकारी आकर एफिडेविट देकर कह रहे हैं कि वो जो जांच चल रही है वो दैट पर्टेन्स टू द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो 15 इंडियन लिस्टेड कंपनीज है, इसमें अडानी ग्रुप का कोई रोल ही नहीं है। और हम जो जांच शुरू किए हैं उस जांच में, चूंकि इसमें बहुत सारे फॉरेन एंटिटीज इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन के बीच में, और इसीलिए जो मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, वहां से हमने रिपोर्ट मांगी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल।